अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो ठीक होंगे। तो आज हम अपने किचन में बनाएंगे चिकन बिरयानी। तो चिकन बिरयानी बनाने के लिए ये देखिए, हमने 1 किलो चावल ले लिया है। ये फर्स्ट गैलेक्सी चावल है, 1 नंबर, बहुत अच्छा चावल ये होता है। और इसको कम से कम बिरयानी बनाने से 3 घंटे पहले इसको भिगोइए, और अगर 3 घंटे आप नहीं भिगो रहे तो कम से कम 2 घंटे 1.5 घंटा ज़रूर भिगोइए। जितना आप लोग भिगोएंगे उतना ही अच्छा होगा ये चावल पकने के बाद। तो देखिए, ये चावल को हम पहले अच्छी तरीके से धुल लेंगे, 2 से 3 पानी से साफ से धुल के उसके बाद हम इसको भिगो देंगे। और भिगोने से पहले आप लोग धुल लीजिएगा, भिगोने के बाद नहीं धुलिएगा नहीं सारे चावल टूट जाएंगे। तो अब हम इसको धुल करके भिगो देंगे। तो ये देखिए चिकन है, ये 1.5 किलो चिकन है, 1 किलो के हिसाब से ये हमने 1.5 किलो चिकन ले लिया है। हम नींबू और नमक लगा के रख देंगे। ये देखिए नींबू का रस हम इसमें डाल देंगे और नमक लगा के हम 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहें तो तुरंत भी बना सकते हैं लगा के, लेकिन ये नींबू और नमक लगाने से, खट्टेपन से जो नींबू डालने से, ये जो पीस है ये पकने में टूटते नहीं है, पीस वैसे ही रहते पूरे पूरे। तो देखिए इसमें अब हम नमक डाल देंगे। ये नमक डाल के इसको हम मिक्स कर देंगे, नींबू और नमक चिकन में 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। अब आपको हम बाकी की चीज़ें दिखाएंगे। तो ये चिकन बिरयानी का मसाला देख लीजिए, 1 किलो चिकन है, उसका मसाला ये हम दिखा रहे हैं। तो ये देखिए 3 छोटे चम्मच भरकर धनिया है खड़ी, और 1 चम्मच सौंफ है, 1 चम्मच काली मिर्च है, और 1 चम्मच खसखस है, और ये छोटा सा टुकड़ा एक जायफल का है, और ये चक्रफूल हमने छोटे छोटे पीस में टुकड़ों में कर लिया है, 1 चक्रफूल है, और ये 4 से 5 लौंग हैं, और ये जावित्री का फूल 1 है, इसको हमने छोटे टुकड़ों में कर लिया है, 2 बड़ी इलायची है, और ये 2 छोटी इलायची है, और 10 से 12 खड़ी लाल मिर्च है, 2 तेज़पत्ते हैं, और ये 2 चम्मच भरकर जीरा है। मसाले से बिरयानी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इस मसाले को हल्का सा हम भून लेंगे, इसको हमें जलाना नहीं है, हल्का भूनना है, बस इसकी खुशबू आने लगे उसके बाद हमें निकाल लेना है। ये तवा हो चुका है, तो ये देखिए पहले हम धनिया डालेंगे खड़ी, अब हम इसी में सौंफ जीरा सब डाल देंगे। खसखस को हम नहीं डालेंगे, खसखस जो है बारीक होती है तो ये नीचे जल जाएगी। तो ये सारे मसाले हमने डाल दिया है, अब इसको हल्की आंच में हमें भूनना है, बस इसकी खुशबू आने लगे इसको जलाना नहीं है, जला देंगे तो फिर जायका ख़राब हो जाएगा बिरयानी का, बस कुरकुरी हो जाएगी, हल्की खुशबू आने लगेगी, बस हम निकाल लेंगे। धीमी आंच में इसको हमें भूनना है, तेज करके बर्तन पहले तावा हो जाएगा, फिर मसाले को डाल देंगे, उसके बाद धीमी आंच करके बस 2-3 मिनट तक हम इसको रोस्ट कर लेंगे। देखिए मसाला हमारा भुन गया है, और देखिए जली नहीं है धनिया नहीं हमारी, वैसे ही है, बस खाली खुशबू आ गई, हमने गैस को बंद कर दिया है, अब इसको हम पीस लेंगे। तो देखिए ये 2 अदद लहसुन के हमने ले लिया है बड़ी बड़ी, और ये बड़ा सा टुकड़ा अदरक का था इसको हमने काट लिया है, 3 इंच का टुकड़ा अदरक का था इसको हमने ले लिया है, और 4 से 5 अदद प्याज के थे इसको हमने काट लिया है। अब ये अदरक लहसुन को हम पीस लेंगे अपने जार में, और ये जो खड़े मसाले हमने भुना था इसको हम पाउडर बना लेंगे। तो ये मसाला जो हमने दिखाया था भुना था, इसको हमने पीस करके रख लिया है, और ये देखिए ये नमक हमने ले लिया है 2 चम्मच, ये देखिए मसाला, इस मसाले में हमने 2 चम्मच नमक भी डाल दिया है। चावल उबालने के लिए हमने पानी रख दिया है गैस पे, और उसमें ये डालने के लिए ये हमने हरी मिर्ची ले लिया है, 8 हरी मिर्च हमने ले लिया है, और ये 2 तेज़पत्ते हैं, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची हैं, ये 2 चम्मच भर के नमक है। देखिए हमने 1 कप तेल ले लिया है और गैस पे चढ़ा दिया है, अब ये तेल हो जाएगा तो इसमें हम प्याज डालेंगे। तो ये प्याज हमारा
धुला हुआ रखा है, अभी हम इसमें डाल देंगे। अब हम ये प्याज डाल देंगे इसमें। तो ये प्याज जो है अच्छे से हमारा जब हो जाएगा अभी, तो लेकिन इसको हमें ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा जलाना नहीं है। ज़्यादा जलाने से कच्चा बना जाता है। तो प्याज अब गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम गोश्त डाल देंगे इसमें। अब इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। जब तक इसको हम फ्राई करेंगे, जब तक इसका कलर ना बदल जाए और इसमें की डिजाइन ना निकल जाए, जब तक इसको हम फ्राई करते रहेंगे। लहसुन का पेस्ट हमने जो बनाया था, इसको इसमें डाल देंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो चुका है गोश्त। ये देखिए ब्राउन कलर हो चुका है, तब हमने सब डाला है इसमें। ये देखिए फ्राई कर ले, इसको फ्राई करके ब्राउन कलर जब हो जाए फिर मसाले डालिएगा, तो बहुत टेस्टी बनेगी बिरयानी, कलर भी बहुत अच्छा आएगा। ये नमक और मसाले डाल देंगे इसमें। अब इसको अच्छी तरह से हम चला देंगे, मिक्स कर देंगे। डालते ही इसमें खुशबू बहुत अच्छी आने लगी है, बहुत कलर इतना चेंज हो गया है। अब हम तेज पत्ते को डाल देंगे इसमें, कि हम 5 मिनट पका लेंगे। तो इसमें पानी हमने अलग से बिल्कुल नहीं डाला है, जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाला था जो लगा रह गया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसमें डाल दिया है, और अलग से पानी हमने नहीं डाला। अगर पानी अलग से डालेंगे तो ये चिपचिपा हो जाएगा, फिर चावल इसमें अच्छे नहीं बनेंगे। एक एक चावल अलग अलग नहीं होगा, चिपचिपे हो जाएंगे चावल। तो ये हम 4 हरी मिर्च है, इसको हम डाल देंगे इसमें। बस इसको हम अच्छे से और एक बार चला देंगे, चला के ढक के रख देंगे, 5 मिनट इसको हम पकाएंगे। तो देखिए गैस धीमी करके हम इसमें दही डाल देंगे। हमेशा जब भी डालें तो गैस को धीमी करके डालें, ताकि दही फटे ना। हमने एक पाव दही इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे धीमी आंच में। अभी 2 मिनट तक हम इसको धीमी रखेंगे आंच को, उसके बाद जब मिक्स हो जाएगा फिर हम तेज करेंगे। 3 लीटर पानी हमने ले लिया है, और ये देखिए पानी गर्म हो चुका है। इसमें ये सब हम मसाले डाल देंगे जो दिखाया है, और ये हमने इसको उबाल आने देंगे हम। बस गर्म हो चुका है पानी, बस ये 2-3 मिनट में इसमें उबाल आ जाएगा। पानी खौल चुका है, अब हम इसमें चावल डालेंगे। अब ये खौलने लगा, अब इसको ढक के रख देंगे हम। जब ये खौल जाएगा थोड़ा सा, इसमें एक किनिक रह जाएगी, तो हम इसको छानेंगे। तो देखिए चावल उबल चुके हैं अच्छी तरह से। अब हम दिखा दें चावल को कि कितना हमें गलाना है और कब हमें पसाना है। तो ये देखिए चावल अच्छी तरह से उबल चुके हैं। ये देखिए ये देखिए एक किनक रह गई है बस। अब ये पसाने में और परत लगाने में गल जाएंगे चावल। चावल को हमने छान लिया है, ये देखिए इस तरह से ऐसे अलग अलग चावल हो गए हैं, कितने अच्छे से चावल मेरे उबल चुके हैं। हमने पतीले को चढ़ा दिया है। अब इसमें तेल डालने के बाद ये 2 लौंग और 2 छोटी इलायची डाल देंगे। इसमें हम परत लगाएंगे। तो यखनी तैयार हो चुकी है, तो अब हम इसमें परत लगाएंगे। ये इसमें हम डालेंगे, एक लेयर हमने सालन की लगा दिया। चावल छान के हमने रख दिया है,
10 मिनट पहले रखा था। तो अब ये देखिए चावल की लेयर हम लगाएंगे। भर कलर में हमने आधा चम्मच पानी डाल दिया है, इसको हमने घोल के रख दिया। अब इसको हम डाल देंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो मिक्स हो जाएगा। और एक ढक्कन हम देंगे केवड़ा, मीठा केवड़ा। ये आधा चम्मच हमने मीठा केवड़ा डाला है। अब इसको हम अच्छे से ढक देंगे, दम पे लगा देंगे। तो देखिए अब बिरयानी हमारी बनके तैयार है। ये देखिए एक एक चावल खिला खिला अलग अलग है चावल। ये देखिए इसको हम निकालेंगे एक प्लेट में। ये देखिए, तो देखिए बिरयानी हमारी बनके तैयार है। और देखिए आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। झटपट बिरयानी की रेसिपी है ये, देखिए फटाफट बन गई है। तो आप लोगों को कैसी लगी है देखिए, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।